Hey everyone, welcome वेलकम टू channel. चैनल इन video, वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू दिस ब्लू स्मोकी आई शैडो लुक सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर पार्टीज और आप ब्लू ड्रेस के साथ इसको पेयर कर सकते हो सो so, अगर आपको देखना है हाउ टू क्रिएट दिस लुक बहुत सिंपल है इसको क्रिएट करना देन प्लीज़ keep ऑन watching दिस वीडियो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टिकी टेप अप्लाई कर रही हूँ आउटर V पे सो so, यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई की हूँ अपने लिड्स पे फॉर माय आई शेडो बेस सो जो कि मैं इस वीडियो में नहीं शो की हूँ बट दूसरे वीडियोस में आपको दिख जाएगा हाउ आई क्रिएट माय आई शेडो बेस यहाँ पे मैं रेने का एक पैलेट यूज कर रही हूँ फॉर दिस लुक जिसमें ब्लैक शेडो है जिसको मैं एकदम स्मॉलर ब्रश के साथ ले के आउटर व्यू पे प्लेस करी सो ब्लैक शेडो है इसलिए स्मॉलर ब्रश से ही अप्लाई करे इससे आप ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में इसको अप्लाई कर पाओगे तो ओनली आउटर वी सेक्शन पे आपको अप्लाई करना है स्टिकी टेप की वजह से आपको बहुत इजीली शार्प एज मिल जाएगा आउटर वी पे नेक्स्ट पे मैं ब्राउन शेडो अप्लाई कर रही करूँ सो इस पैलेट में ब्राउन शेडो नहीं था दैट्स वह मैं दूसरे और एक पैलेट से ब्राउन शेडो लेके आउटर वी एंड क्रीज पे अप्लाई कर रही करूँ सो ये ब्लैक शेडो के एज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा और साथ में एक ट्रांजिशन भी क्रिएट करेगा क्रीज पे और ये भी बहुत ज़्यादा फ्लफी ब्रश के साथ नहीं अप्लाई की हूँ मैं सो so, इसको भी मैं काइंड ऑफ प्रीवियस ब्रश से थोड़ा सा बिगर बट uh, थोड़ा सा स्मॉलर साइड का ही ब्रश से मैं अप्लाई की हूँ अगेन मैं ब्लैक शेडो को फिर से इंटेंसीफाई करी आउटर वी पोर्शन पे इसके बाद जो थोड़ा डार्कर ब्लू शेड है उसको अप्लाई कर रही करूँ एक फ्लड ब्रश के साथ पूरे आईलिड पे आउटर वी सेक्शन को छोड़ के सो फ्रंट सेक्शन टू सेंटर लीड तक कलर को मैं प्लेस कर रही करूँ सो आप देख सकते हो ये कलर थोड़ा सा डार्कर लग रहा है ऑन माय आई लीड सो इसलिए इसको हम लोग अप्लाई किए हैं एज माय बेस कलर यू कैन से बिकॉज इसके ऊपर से हम लोग लाइटर ब्लू भी अप्लाई करेंगे सो so, इसको पूरे लीड पे अप्लाई कर लेना है अप टू सेंटर लीड आउटर व्यू पे हम लोग नहीं लेके जाएंगे इसको इसके बाद जो ब्लू शेड है ब्यूटीफुल सा ब्लू शेड उसको अप्लाई करे इसको ऊपर से सो so, ये कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है ये काइंड ऑफ फॉइल्ड आई शेडो बोल सकते हो सो so, वेट काइंड ऑफ लुक देता है ये और इसमें बहुत फाइन स्पार्कस भी है जो कि बहुत ही अच्छे से पॉप करता है आई लिट पर सो इसको भी मैं फ्लड ब्रश के साथ अप्लाई की हूँ जहाँ पे भी प्रीवियस शेड अप्लाई की थी उसके ऊपर से एंड इसके बाद हम लोग स्टिकी टेप को रिमूव कर देंगे सो so, आईलाइनर को आप स्टिकी टेप रिमूव करने से पहले अप्लाई कर सकते हो इससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा आईलाइनर अप्लाई करने में ऑल दो मैंने यहाँ पे स्टिकी टेप पहले रिमूव कर दिया है एंड देन अप्लाई कर अप्लाई हूँ। सो मैं यहाँ पे आईलाइनर पेन के साथ अप्लाई की हूँ लाइनर को सो so, मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का लाइनर पेन बहुत ही फाइन टिप के साथ ये आता है एंड बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है इसके बाद मैं लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही करी दिस इज फ्रॉम मामा अर्थ सो ये ब्लैक काजल है एंड ब्लैक आई शेडो से थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट भी दूंगी लोअर लैश लाइन पे एंड उसके बाद जो ब्लू शिमर शेड हम लोग लीड पे अप्लाई किए थे उसको भी अप्लाई की हूँ लोअर लैशेस के साथ साथ इसके बाद मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ फॉर दैट आई एम यूजिंग कलर वार का जूम एंड बूश मस्कारा अपर एंड लोअर लैशेज पे अच्छे से कोट कर लेंगे काफी बार एंड उसके बाद हम लोग बाद में फॉल्स आई लैशेज भी अप्लाई करूंगी उससे पहले हम लोग हाईलाइटर अप्लाई कर रहे हैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे एंड हियर इज द फाइनल फिनिश्ड लुक लेट मी नो आपको ये ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है तो so, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडियाज़ फॉर मोर अपडेट मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर एंड बाय